दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में बुराड़ी बाईपास से नथपुरा तक करीब दर्जनों बस स्टैंड हैं, लेकिन एक भी बस स्टैंड पर धूप और बारिश आदि से बचने के लिए डीटीसी के बनाए गए शेल्टर नहीं है। मुख्य सचिवों के निलंबन से पहले यहां के स्थानीय विधायक संजीव झा खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के संसदीय सचिव थे, उस दौरान भी यहाँ वह शेल्टर नहीं बनवा सके। बुराड़ी स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोई सड़क पर कोई शेल्टर नहीं है। जो एक आध बच्चे है वो जर्जर है, उनके नीचे खड़े हुए तो जान भी जा सकती है। अब गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सभी को धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है, और यदि बारिश आई तो भी उन्हें वहीं खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि बचने के लिए किसी तरह का कोई शेल्टर नहीं है। सभी शेल्टर पुराने होकर पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों का कहना है कि यह बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। बस देख से देखते हैं कि बच्चे धूप में खड़े रहते हैं, उन्हें छाया के लिए बस शेल्टर का होना जरूरी है, लेकिन शेल्टर बिल्कुल गेट के पास में न हो जिससे जाम लग जाता है, बच्चों को परेशानी होती है। स्कूल के गेट से थोड़ा आगे या पीछे कोई शेल्टर हो तो बेहतर रहेगा। यही हाल बुराड़ी गांव, नथुपुरा, संत नगर, चड़ोदा आदि जगहों का है। यहां 20 सेकंड ज़्यादा बस के स्टैंड है, लेकिन कहीं भी शेल्टर नहीं है। बस शेल्टर नहीं होने से यहां काफ़ी दिक्कत रहती है, साथ ही इतनी बीच की लंबी दूरी पर नहीं कोई टॉयलेट है। किसी मधुमेह के मरीज या किसी महिला को वेग आता है तो यहाँ किसी भी तरह के टॉयलेट की सुविधा नहीं है, उन्हें अपने वेग को रोकना ही मजबूरी होती है जो शरीर में सैकड़ों बीमारियां पैदा करता है। स्वच्छ भारत अभियान का सभी समर्थन करते हैं, सरकारें बड़ी बड़ी दलीलें देती है, लेकिन बस स्टैंड पर टॉयलेट न मिलना कितना बड़ा सवाल सरकारी व्यवस्था पर खड़े करता है। जरूरत है प्रशासन इस समस्या पर ध्यान दे। आपसे अनुरोध है डबल ए न्यूज को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के मेरा नाम तो अदर सिंह है। हाँ अदर सिंह जी, आप ये बुराड़ी स्कूल है, यहाँ से बच्चे निकलते हैं, छुट्टी होती है तो स्टैंड की कमी है। कब से स्टैंड नहीं है, आप कब से देख रहे हैं यहाँ पर? स्टैंड तो बहुत दिनों से नहीं है यहाँ पे, पहले था, अब नहीं है यहाँ पे। बसें यहीं रुकती हैं स्कूल के सामने, थोड़ा सा स्कूल से हटके होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, होना चाहिए पर साइड होना चाहिए थोड़ा। क्या समस्याएं आती है बच्चों को स्कूल से निकलने पर? बिल्कुल आती है जी। क्या क्या समस्या आती है? काफी ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे, हादसे भी होते हैं। हाँ जी। तो बच्चों को बारिश होती है तो बारिश में बचने वगैरह के लिए भी जगह? वो तो है ही है, सारी समस्या है। तो आप स्टैंड की, आप भी घर जाते हैं तो आपको भी परेशानी होती होगी? बस नहीं रुकती होगी, स्टैंड नहीं है तो? नहीं बस तो रुकती है, यहीं पे रुकती है, बस स्कूल के सामने रुकती है। तो बस स्टैंड थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, हाँ। स्कूल गेट के पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा साइड में हो जाए ताकि बच्चों के लिए निकलने में आसानी रहे। लेकिन बस स्टैंड होना चाहिए, ये तो आप लोग देखो। ठीक। मेरा नाम हाजरा। जोर से बोलिए। हाजरा। हाँ हाजरा जी, आपके बच्चे बुराड़ी स्कूल में पढ़ते हैं और आप बच्चों को लेने के लिए भी खड़े हैं तो यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, बारिश होती है, धूप होती है, दिक्कत होती है, क्या कब से स्टैंड नहीं है यहाँ पर? कितने साल हो गए? 20 साल के तो मुझे नहीं पता है जी, वैसे तो काफी दिन है कि लड़की पढ़ती थी, जब भी दिक्कत होती थी। हाँ। अब लड़का पढ़ गया है, तो दिक्कत है। आप लोग कितने साल से देख रहे हैं ऐसे ये समस्या? हम तो काफी देर टाइम से देख रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे? 10-5 साल है। तो आप बच्चों को लेने आते हो, धूप में खड़े रहते हो वैसे ही, तो जरूरत है बस स्टैंड की यहाँ पर छाँव के लिए? हाँ सब बच्चों के लिए जरूरत है भाई, तो इसके लिए भी है और वैसे छाने का भी होना चाहिए। कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आपको?